एवरीवन, क्या हाल चाल? आई होप सब बढ़िया हो. सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. एंड दिस टाइम मैं हूँ आईआईटी रुड़की में. सो आईआईटी रुड़की में और यहाँ का व्लॉग ना बनाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो व्लॉग में सबसे पहले आपको मैं लेके चलती हूँ यहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में. हाय, हेलो. सो दिस इज शिवानी दी, मेरे भैया की फ्रेंड है. तो अभी हमको पूरा गर्ल्स हॉस्टल दिखाएंगी. सो लेट्स गो. तो जैसे अभी हम भी कैंपन हॉस्टल के अंदर आ चुके हैं, तो अभी मैं तुम्हें मेरा रूम दिखा रही हूँ. बेसिकली मेरा रूम ना ग्राउंड फ्लोर पे है और ये बी ब्लॉक है उसका. बहुत जल्दी आ जाता है मेरा रूम है, बस आ ही गया. रूम क्या है, रूम भी पेंट हो गया आज तो. बस छोटा सा ही रूम है. हाँ, बहुत छोटा सा ही है, सिंगल सीटर है ना. हाँ, बस ये. सो ये आपकी स्टडी टेबल होगी. हाँ, इसमें क्यूट सा पिकाचु पड़ा है. हाँ, बहुत कुछ है जो इस कवर के अंदर है. ओके, सेट करना है आज रूम ना, जिसे पेंट हुआ मेरा सारा सामान इस कलर आ गया. बस ये रूम है, इधर विंडो है. बट इस मेरे रूम के जस्ट बगल में ना वो बॉयज हॉस्टल है, तो मैं जल्दी विंडो खोल भी नहीं. और मैं तो अपनी फ्रेंड का रूम दिखाती हूँ. ओके, लेकिन आपका रूम भी बड़ा नीट एंड क्लीन, बढ़िया सा है. अभी किया है कि हम आ रहे हैं इसीलिए. सो ये दी का रूम है. एंड दी, आपका नाम? मेरा, अरे मीनू. ओके, ये मेरी फिश है, ये बहुत गंदा है एरिया थोड़ा. नो, इट्स ब्यूटीफुल. कुछ नाम भी रखा है क्या फिश का? नाम नहीं रखा, बस नाम ही रखा गया है. ये एरिया बहुत प्यारा है वैसे. मैं इन फिशेस की मासी हूँ, ये इसकी माँ है और ये इसका क्यूट सा मंदिर है और इधर स्टडी वेरी का सिस्टम. ओके, एंड ये बेड है. हाँ, और इसके ऊपर बहुत अच्छा लुक आता है. तो अपना विंडो दिखा ना. हाँ, ओके ओके, चलो कल रीटेक लिया जाएगा. तो जैसे कि ये हमारा विज्ञानगंज का हॉस्टल है, ये हमारा प्यारा सा गार्डन है और ये बी ब्लॉक है गर्ल्स हॉस्टल का. दिस इज ई ब्लॉक एंड दिस इज़ दी बॉयज़ साइड ऑफ दिस विज्ञानगंज हॉस्टल. सिंस दिस इज़ अ कोविड हॉस्टल, सो ये बॉयज़ ब्लॉक है, बाकी ये गर्ल्स ब्लॉक है और ये हमारा गार्डन है. ये हॉन्टेड नहीं लगता रात को लाइट्स ऑफ होने के बाद? नहीं, यहाँ पर रात में भी काफ़ी हलचल रहती है. हाँ, अभी तो जैसे सब घूम रहे होंगे बाहर, रात के 11-12 तक सब यहाँ पर आ जाते हैं मस्ती करने के लिए. ये हमारे हॉस्टल में फ्रिज है, ये लिफ्ट है क्योंकि ये 6th फ्लोर की बिल्डिंग है, तो ऊपर तक जाने के लिए हम लिफ्ट का यूज़ करते हैं इनकेस इसका रूम ऊपर है. और यस, साफ सुथरा है तो दिखा देंगे. कॉमन होगा ना हमारे पास, अच्छी सी वो दिखेगी नहीं यार लाइट, क्योंकि वो चली गई ना. एक यहाँ पर आती है वो कपड़े वपड़े धो के चली गई. दिस इज मी एंड वी कम. हाय. हाँ, तो इस हॉस्टल में हमारे पास सारे लोग जिनके भी पास साइकिल्स होती है ना, वो सब यहीं पार्क करते हैं. देख सकते हैं कितनी सारी साइकिल्स हैं यहाँ पे. लाइन से साइकिल लगी हुई है. और ये हमारा 7th फ्लोर की बिल्डिंग, हमारा विज्ञान कुंज हॉस्टल. क्यूट लग रहे हो आप. थैंक यू, नॉट मोर देन यू. थैंक यू. ओ, ये हरी है ड्राइंग ना. हाँ, ये ना एक्चुअली हमारे हर एक हॉस्टल का भवंडी होता है, तो हमारे हॉस्टल में जब भवंडी था ना, तो यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह की गई थी. तो जैसे कुछ पेंटिंग यहाँ बनी है, कुछ पेंटिंग वहाँ बनी है. ये जेन्युइनली बहुत प्यारी है. ये हमारे हॉस्टल का कैंटीन एरिया है. यहाँ पर कैंटीन रात के 2 बजे के बाद भी खुली रहती है, मतलब यहाँ पर हमारी दोनों कैंटीन है, मॉर्निंग की कैंटीन प्लस नाइट कैंटीन. तो यहाँ पर कोई भी आगे चिल आउट कर सकता है. रात के लोग 2-3 बजे तक यहाँ रहते हैं, 4-4 बजे तक रहते हैं, सब बड्डे वड्डे भी यहाँ मनाते हैं. और यहाँ से भी तुम लोग दिखा सकते हो, देखिए पेंटिंग. ये को तो ज़ूम करके दिखाना चाहिए.
जो भी विज्ञान कुंज की जितनी मेमोरीज है, जितनी पिक्चर्स है, कोई भी लाने लगा सकता. हम लोग ने तो नहीं लगाई बट बहुत लोगों ने तो लगा. और प्लस कॉलेज की भी जो काफ़ी फोटोज है. अच्छा ये वाली तो चर्च होगी ना. हाँ ये चर्च है. सो मैं यहाँ रास्ता ढूंढते ढूंढते चर्च में आ गई हूँ. एंड यहाँ ये सबसे कंफर्टेबल चेयर्स हैं. आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे ऑब्वियसली कलाकारी तो मिलेगी. लग तो खंडर ही रही है. आगे परम गंगा देखने. बेसिकली ये हमारा सुपर कंप्यूटर है आईटी रोडी का. तो लेट्स गो. लेट्स गो. ये क्या है? ये है क्या चीज? सुपर कंप्यूटर. अच्छा यही है क्या जो मूवीज वगैरह में दिखाते हैं? कैन से समथिंग लाइक दैट. ओके अंदर जा सकते हैं? नहीं इसके अंदर तो जा नहीं. ओके सो ये है हम डॉम्स में. डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. आर्किटेक्चर से बेटर है. एक सॉन्ग है मेरा फूल तो उसकी शूटिंग यही हुई है. यहाँ पर हुई है वेस्टर्न दिल्ली के पास हुई है. जब से चढ़ गया रे परफॉर्मेंस होता है या बेसिकली प्रैक्टिस? प्रैक्टिस भी होते हैं कभी कभी परफॉर्मेंस भी होते हैं. अगर ऑडियंस जैसे काफ़ी शॉर्ट नंबर में तो हम परफॉर्मेंस भी creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.
cause I'ma live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. मॉर्निंग एवरीवन, अनदर डे. एंड रात को तो मैंने मोटा मोटा आपको दिखाई दिया था हम लोग कहाँ कहाँ गए थे. एंड रात को काफ़ी सारी चीज़ें बंद थी, तो अभी हम उन सबको एक्सप्लोर करने जाएंगे. और जो चीज़ें हमने रात को भी एक्सप्लोर की थी, थोड़ी बहुत हम उनको दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स गो. सो अब हम आ गए हैं यहाँ सड़कों पर फिरने के लिए. एंड दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे, जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा. जीन्स है, ब्लू जीन्स. एंड मेरे पीछे है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. मे बी यहाँ पे मैं दी के साथ आऊँ, आई डोंट नो. और वो रहा एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाते हुए, ओनली 45 ईयर्स ओल्ड. देख लो भाई, आईआईटी रुड़की की सड़कें. दिस इज सिविल डिपार्टमेंट. इतना तो भाई एक दिन में मेरे को पता चल ही गया. तो मैं अभी बस यूँ यहाँ की सड़कों पे गेड़ी मारने के लिए निकली हुई हूँ. एंड यहाँ पे टी रुड़की का मैप लगा है, दिखाया है मुझे. यहाँ के रास्ते तो पता नहीं है, सो आई एम जस्ट फिगरिंग आउट वेयर टू गो. एक्सप्लोरिंग आईआईटी ऑन साइकिल. यहाँ पे ये जो है, ये थॉमसन बिल्डिंग का पीछे वाला पार्ट है. एंड मेरे को यहाँ पे जितना भैया ने बताया कि इसी के चारों तरफ ना जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसी के चारों तरफ ही हैं. एंड ये यहाँ का सेंटर है. और ये जो है, ये केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है. और आईआईटी रुड़की की बड़ी प्यारी प्यारी सड़कें. मज़ा आ रहा है यहाँ पे. बस मैंने साइकिल ले ली थी भैया की, एंड जस्ट इन्जॉइंग आईआईटी रुड़की की सड़कों पे. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं सही में पढ़ती हूँ. ये सरस्वती मंदिर है. अच्छा, ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है. ओके, सो ये हॉकी का ही होगा देन, आई गेस. हाँ जी, ये हॉकी का ही है. और अभी भैया का कॉल आया है, उसने दोबारा से बुलाया है वहीं पे, क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं डॉम्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़. तो सीधा वहीं पे चलते हैं. रास्ता मुझे पता है नहीं, सो आई डोंट नो मैं अभी कहाँ पे जा रही हूँ और कहाँ पे हूँ. एंड वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ हियर, दिस इज़ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. अर्थक्वेक इंजीनियरिंग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं आई डोंट नो, लेकिन ये मेरे को पहले में पता चला कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भी कुछ होती है. मैनेजमेंट स्टडीज, भैया और दी का डिपार्टमेंट. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. So ये जो बड़े-बड़े coolers आप देख रहे हो, ये lecture hall complex को ठंडा रखने का काम करते हैं. Not its rooms, लेकिन हाँ corridors वगैरह को एकदम मस्त ठंडा रखते हैं. And the next place where we are going is APJ Abdul Kalam block. So basically this is a lecture hall complex, and obviously lecture hall complex में यहाँ पे बच्चों के lectures ही लगेंगे. And यहाँ पे एक live class चल रही थी तो मैंने उसको record कर लिया. एंड ये जो lecture hall है, ये मेरे भाई का lecture hall है. मतलब mostly उसकी सारी lectures यहीं पे लगते हैं. लेक्चर हॉल में, एंड दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस. लाइक क्लास के हॉल से यार सब बोर हो गए और मुझे सीधा कॉलेज में ही आना है. यार क्या मस्त लगे. और यहाँ पे भी तेरा फितूर सॉन्ग की शूटिंग हुई थी. दिस इज़ दी क्लास रूम जिसके अंदर उसकी शूटिंग हुई थी. एंड मैंने छोटा सा एक क्लिप प्ले किया, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं प्ले नहीं कर सकती, कॉपीराइट आ जाएगा. लेकिन या इसके अलावा मैंने दिखाया था आपको, स्टूडेंट्स क्लब में भी उसकी शूटिंग हुई थी. एंड उसका थोड़ा सा पार्ट मेन बिल्डिंग पे भी शूट हुआ था. तो नेक्स्ट प्लेस यहाँ पे हम आए हैं, दैट इज़ मैथ्स डिपार्टमेंट. आई विल शो यू.
पे एक ग्लास फ्लोर है एंड इस पे चलते हैं। पी कहाँ डर लग रहा है, आओ तो सही। बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, आ जाओ। काफ़ी सही लग रहा है, मज़े आ रहे हैं। बाहर से बड़े बड़े देशों में नहीं होती क्या ये सब, वही वाली फील आ रही है। हम लोग आ गए हैं IIT रुड़की की मेन बिल्डिंग में, थॉमसन बिल्डिंग में। तो शाम को एक बार फिर से मैं गेड़ी पे निकल गई हूँ एंड शायद आप लोगों को मेरी आँखें नहीं दिख रही होंगी क्योंकि टोपी की छांव आ गई है, लेकिन हाँ दोबारा से एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं यहाँ पे चीज़ें। एंड इस तरफ ये वापस से वही ग्राउंड आ गया, पीछे सरस्वती मंदिर गया था एंड अभी शायद आगे सेंट्रल लाइब्रेरी आएगी। एंड यहाँ पे ये फाउंटेन है इधर, ये यहाँ पे 6 से 9 रात के शाम के ओपन रहता है, सो यहाँ पे शाम को आएंगे एंड बहुत ब्यूटीफुल लगता है। एंड देन यहाँ पे यही है, ये थॉमसन बिल्डिंग का फ्रंट पार्ट आ गया और इसके जस्ट यहीं पे लाइब्रेरी है, दिस इज सेंट्रल लाइब्रेरी। और एक बार फिर से IIT रुड़की की सड़कें, इफ़ यू वांट टू सी यू कैन। और हम लोग सामने जा चुके हैं, इस साइड जाके और देख लेते हैं क्या आता है। माई तो भाई यहाँ पे भी जा चुके हैं। अच्छा, यहाँ से फिर हमारा वही KIH आ जाएगा, KIH वो गेस्ट हाउस है जिसके अंदर हम रुके हैं। दिस इज द रूम जिसके अंदर हम लोग रुके थे एंड दिस इज ब्यूटिफुल सा बेड। और यहाँ पे एक TV भी है जो कि चलती है। ओके, एंड देन यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल है नेक्स्ट कमरे में एंड जहाँ मम्मी इशारा कर रही है वहाँ बालकनी है। और यहाँ पे एक प्यारा सा सोफा सेट है, कंप्यूटर टेबल है एंड सोफा सेट पे हम आराम से बैठ के गप्पे मार सकते हैं, चाय पी सकते हैं। एंड दिस इज द वॉशरूम। और अब चलते हैं बालकनी, देखते हैं बालकनी कैसी है यहाँ की। ओके, सो दिस इज़ दी बालकनी एंड यहाँ से पीछे KIH की बिल्डिंग दिख रही है एंड दैट इज़ KIH मैरिड हॉस्टल। एंड देन बालकनी से हमें दिख रहे हैं पेड़ पौधे एंड देन अंदर है हमारे पास एक डाइनिंग टेबल एंड इस पे हम आराम से प्यार से बैठ के खाना खा सकते हैं साथ में। और देन इस कमरे में एक रीडिंग टेबल जिसके ऊपर ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं पढ़ने वाली हूँ। और मिरर के जस्ट पीछे है एक अलमीरा एंड ये है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये थॉमसन बिल्डिंग का साइड वाला पार्ट आ ही गया, साइड वाला नहीं, आई एम सॉरी, पीछे वाला पार्ट। एंड देन ये तो क्या है, लेट मी, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम बिल्डिंग। ओके, एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है, ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और इससे सीधा यहाँ पे हम चलते हैं मैथ्स लैब की तरफ। मैथ्स डिपार्टमेंट, मेरे को आदत है मैथ्स लैब कहने की क्योंकि राइट नाउ मैं अभी भी स्कूल में हूँ तो इसीलिए। एंड सॉरी फॉर दी काला चेहरा क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं पड़ रही है मेरे चेहरे पे, मज़े आ रहे हैं। वह साइकिल चलाते चलाते मैं फिर से थक गई यार, मेरा फिज़िकल बहुत कम है। वही है जहाँ रात में अंदर आपको दिखाया था ना सुपर कंप्यूटर,
ये उसी की बिल्डिंग है, धूप की वजह से नहीं दिख रही होगी। और यहीं सामने ही अपना मैथ्स लैब, मैथ्स डिपार्टमेंट, इधर से ये आ जाएगा अपना मैथ्स डिपार्टमेंट एंड इसी के यहाँ पे फिज़िक्स डिपार्टमेंट भी है। दिस इज़ मैथ्स डिपार्टमेंट एंड यहाँ पे ये फिज़िक्स डिपार्टमेंट है। मैथ्स लैब अपना बढ़िया प्यारा, मैथ्स डिपार्टमेंट बढ़िया प्यारा सा है और ये फिज़िक्स। और यहीं इसी के सामने वाटर सप्लाई ऑफिस भी है और मैं यहाँ नहीं, अच्छा यहाँ तो वैसे भी गेट बंद है सो जा नहीं सकते। अरे यहाँ सामने भैया वाला डिपार्टमेंट भी आ गया, पता नहीं मैं घूमते घूमते कहाँ कहाँ ही घूम ली हूँ। तिरंगे भी बोल चीज़ें आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही व्लॉगिंग के लिए कैमरा निकालो ना, मोस्टली लोग सड़क पे स्माइल करते हुए चले जाते हैं कि कहीं रिकॉर्ड हो जाए तो अच्छी शक्ल तो आए। घूमते घूमते ये मैं पता नहीं कहाँ पे आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एक पार्क भी दिखा है। आई जेन्युइनली डोंट नो कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ये पार्क है जहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। शायद मैं घूमते घूमते शायद वापस उसी पार्क में आ गई हूँ जहाँ पे, यहाँ पे फिलहाल NCC की प्रैक्टिस चल रही है 15 अगस्त के लिए। अच्छा मैं यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सामने हूँ, सो यहाँ पे वो NCC का ग्राउंड है। एक्चुअली प्लेग्राउंड ही है, यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जैवलिन थ्रो वगैरह भी। एंड यहाँ ये केमिकल इंजीनियरिंग था, वही है एक्चुअली ये भी। यहाँ पे फिर से वही फाउंटेन आ गया। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितनी भी पॉसिबल प्लेसेस है सारी घूम ली और वैसे छोटा सा ही लग रहा है। IIT रोड की जनरली छोटा सा है, भैया सही कह रहा था। बिट्स का तो ये शायद 1/4 भी नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं घूम घूम के एक ही जगह पे आ रही हूँ। या तो ऐसी कोई रोड है मे बी जो मैंने एक्सप्लोर अभी तक नहीं की है, जिसकी वजह से मैं इन्हीं प्लेसेस पे आ रही हूँ। लेकिन मैं सच्ची में थॉमसन बिल्डिंग के चारों ओर जितनी भी रोड्स है सब पे जाके देख के आ चुकी हूँ। एंड ये वापस वही आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की, हाइड्रोलॉजी का डिपार्टमेंट ही रहा। इसके सामने सेम वही ग्राउंड है और वहाँ दूर NCC की प्रैक्टिस हो रही है। एंड देन यहाँ पे अभी आगे सरस्वती मंदिर आ जाएगा, यहाँ पे राजीव भवन वगैरह है। एंड या और इस तरफ आई गेस, हाँ यहीं पे CCD है, यहाँ सरस्वती मंदिर है और उसके यहीं पे CCD है। एंड ये फिर से वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आ गया यहाँ पे। एंड ये शायद यहाँ के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है और बाकी इधर बोर्ड है, आप लोग पढ़ लो कहाँ क्या चीज़ें है। यहाँ पे ये ई लर्निंग सेंटर है। एंड सामने जाएंगे तो अच्छा इस तरफ वो फिर आ गया, यहाँ पे सैक आ गया और ये जो है ये कस्तूरबा भवन है, यहाँ पे रात में हमने आइसक्रीम खाई थी, आई रिमेम्बर। यहाँ से फिर से थॉमसन जाने का रास्ता आ जाएगा। एंड ये अर्थ को एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ही। ओके यहाँ घूम फिर के फिर मैं अर्थ साइंस के पास ही आ गई हूँ। एंड सामने मेरे थॉमसन है, थॉमसन के और आगे चल के देखते हैं, वहाँ सामने चर्च है, अगर चर्च खुली होगी ना तो मेरे को चर्च के अंदर जाना है, सो लेट्स गो देयर। सो मैं यहाँ रास्ता ढूंढते ढूंढते चर्च में आ गई हूँ एंड यहाँ पे बहुत शांति है। इंडिया ये चर्च है और ये शायद बंद है या खुली भी है, तो आई डोंट नो अंदर कैसे जाते हैं। मैं एक्चुअली कभी भी चर्च में नहीं गई हूँ। एंड यहाँ पे गार्ड भैया भी हैं, ये मतलब गार्ड नहीं माली, एंड ये मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे अभी, आई डोंट नो वाई। इनसे मैं एक बार चारों तरफ चक्कर काट के देख लेती हूँ। सबसे पहले मैं खुद ही घूम के देख लेती हूँ चारों तरफ कि भाई क्या है कैसे है। एंड दिस इज़ चारों तरफ से, एंड यहाँ पर मुझे बहुत सुनसान लग रहा है। एंड मम्मी पापा ये व्लॉग देखेंगे तो खूब डांट मारने वाला है, बट मैं आप लोगों के सामने सही सलामत घर पे पहुंच चुकी हूँ, सो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके मे बी यहाँ पे कोई रहता है, ये किसी का घर है। खुला है क्या चर्च? काटेगा, कुत्ता पीछे पड़ गया था, एक अंकल थे, मैंने उसको बोला कि इसको पकड़ के रखो, वो जब मैंने घर दिखाया था ना उसी का पालतू कुत्ता था, मैं भाग के आ गई। लेकिन मज़े आए यार, मेरे को ऐसे ही ना चीज़ें एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता है। एंड या एंड जिन्होंने उस कुत्ते को पकड़ा था मैंने उन्हीं से पूछा था, तो ये चर्च खुला है लेकिन अभी अंदर सफाई हो रही है, तो मैं गलत टाइम पे आई हूँ। तो यहाँ पे जाके थोड़े फ़ोटो वीडियोस भी ले रही हूँ चर्च के साथ, क्योंकि जो लोग भी हम मुझे घूर घूर के देख रहे हैं कौन सा मुझे जानते ही हैं, देख लेंगे फिर सोचेंगे थी कोई पागल जवाई थी वीडियो बनाने, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ओके सो अभी हम लोग यहाँ पे रात में, एक बहुत प्यार सा फाउंटेन है लाइब्रेरी से नीचे उतरते ही, सो मैं रात में वहाँ पे जा रही हूँ। एंड वहाँ पे भी पता चला है कि बहुत प्यारी प्यारी सी लाइटनिंग वगैरह है, सो चलते हैं रिकॉर्ड करते हैं। लकीली आई होप खुला हो, क्योंकि 10 बजे तक का उसका टाइम रहता है एंड 10 बज चुके हैं, सो पता नहीं
अगर वो बंद हो गया होगा तो देन प्रॉपर्टी होना है, बट लेट्स ट्राई, ट्राई करने में क्या ही जाता है। यहाँ पे फाउंटेन चालू है एंड ये मेरे पीछे ही है, एंड अभी थोड़ा सा टाइम हम यहाँ फाउंटेन पे ही स्पेंड करेंगे एंड देन उसके बाद थॉमसन जाएंगे। वहाँ पे भी बहुत प्यारी प्यारी लाइटनिंग हो रही है। आज के दिन भी एक बार फिर से गेड़ा मारने के लिए निकले हैं। लिटरली मैंने IIT रुड़की की लगभग सारी 99% सारी गलियां घूम ली हैं एंड काफ़ी चीज़ें तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं, क्योंकि मैं क्या ही आप लोगों को बताती कि मैं हूँ कहाँ पे अभी, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता था कि भाई ये गलियां कहाँ पे हैं, मैं किस एरिया में हूँ या क्या। लेकिन लिटरली मैंने सारी सिंगल एक एक गली मतलब घूम चुकी हूँ मैं IIT रुड़की की। तो अभी हम लोग आए हुए थे सरोजनी भवन, यहाँ पे दी की एक फ्रेंड है, सो इन सर्च ऑफ मोर कंटेंट हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो ये है सरोजनी भवन का फ्रंट व्यू एंड ये जस्ट विज्ञान कुंज के सामने ही है, एंड विज्ञान कुंज जहाँ दी रहती हैं, दी का हॉस्टल जिसको हमने वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में दिखाया था। और दी के हॉस्टल में पार्लर नहीं है एंड बाकी सभी हॉस्टल्स में पार्लर है, और सरोजनी भवन का पार्लर ये है। ये सरोजनी भवन का वॉशिंग एरिया है यहाँ पे, एंड उसके जस्ट राइट में यहाँ पे इनकी कैंटीन है। I'm my own worst enemy, only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. बस यही था मेरा IIT रुड़की का व्लॉग। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगता है। एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दिस इज गरिमा शर्मा साइनिंग ऑफ।